एक घना जंगल था। एक काला चीता उस जंगल का राजा था, जिसका नाम वीरभान था, जो बहुत ही दयालु और ताकतवर था। उसका एक दोस्त भी था। एक दिन वह अपने दोस्त शेर और शेरनी से मिलने पास के जंगल में जाता है। वीरभान जैसे ही जंगल में जाता है, उसको कुछ ठीक नहीं लगता है। उसको उस जंगल में कोई भी जानवर नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो अपने मन में सोचता है, अरे क्या बात है, ये जंगल इतना सुनसान क्यों है? कोई भी जानवर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आखिर क्या बात है? ये सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक शेरनी अपने तीनों बच्चों के साथ घायल अवस्था में दौड़ते हुए आ रही है। वीरभान शेरनी की दशा देखकर बहुत घबरा जाता है। अरे अरे शेरनी, क्या हुआ तुम्हें? घायल कैसे हो? और मेरा दोस्त शेर कहाँ है? वीरभान भाई, वो काला शेर मेरे बच्चों की जान के पीछे पड़ा है। इन्हें उस राक्षस से बचा लो। अब तुम ही इन्हें बचा सकते हो भाई। इनकी रक्षा करो, इन्हें अपने साथ इस जंगल से दूर ले जाओ। लेकिन कौन है ये काला शेर, और वो क्यों तुम्हारे बच्चों के पीछे पड़ा है? और मेरा दोस्त शेर कहाँ है? भाई, काला शेर एक शैतानी शक्तियों वाला शेर है। उसके पास शैतानी शक्तियाँ हैं, और वो मेरे इन तीनों बच्चों की बलि देकर और भी ज्यादा शक्तियाँ हासिल करना चाहता है, और भी ताकतवर होना चाहता है। इसके कारण उसने शेर को भी मार डाला, और अब मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। तुम जल्दी से मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़कर चला जाऊँ? वीरभान, तुम मेरी छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि मैं बच भी पाऊंगी। वो राक्षस किसी भी समय आ सकता है, इसलिए तुम मेरे बच्चों को लेकर चले जाओ। शेरनी ये सब उसको बता ही रही थी, तभी दूर से हिरण चिल्लाते हुए भागा भागा आ रहा था। शेरनी, शेरनी, वो राक्षस वो इसी ओर आ रहा है, भागो तुम, अपने बच्चों को बचाओ। शेरनी आंखों में आंसू लिए वीरभान की ओर देखती है। वीरभान शेरनी को ऐसे देखकर तुरंत बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। इधर काला शेर शेरनी के पास आता है, और शेरनी के पास बच्चों को न पाने पर बहुत क्रोधित हो जाता है और बोलता है, अरे ओ शेरनी, बता तेरे बच्चे कहाँ है? तूने कहाँ छुपाया है उन्हें? अरे ओ राक्षस, तू मेरी जान ही क्यों ना ले ले, मैं अपने बच्चों का पता तुझे नहीं बताऊंगी। ये सुनकर काला शेर शेरनी पर गुस्से से हमला कर देता है और उसे वहीं जान से मार डालता है। फिर वो काला शेर जंगल के जानवरों से शेरनी के बच्चों का पता पूछने लगा। अगर तुम लोगों ने शेरनी के बच्चों का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। सोच लो तुम लोगों को क्या करना है। देखो, सच में हम में से कोई नहीं जानता कि शेरनी के बच्चे कहाँ हैं। हमारे बच्चों को मत मारो। लेकिन काला शेर बहुत ही निर्दयी था। वो एक एक करके जानवरों और उनके बच्चों को मारने लगता है। ये देख हिरण बोलता है, रुक जाओ, छोड़ दो इन मासूम बच्चों को, मैं बताता हूँ तुम्हें शेरनी के बच्चों का पता। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे घबराओ मत तुम हाथी भाई, इस दरिंदे का अंत आ गया है। ये राक्षस तीनों बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये सुनकर काला शेर गुस्से से भर जाता है। बंद कर अपनी बकवास, और बच्चों के बारे में बता जल्दी, कहाँ है वो? हिरण काले शेर को वीरभान के बारे में बताता है। फिर काला शेर हिरण को भी मार देता है और बच्चों को ढूंढता हुआ वीरभान के जंगल पहुंच जाता है। काले शेर को देख वीरभान चौंक जाता है। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? अरे ओ वीरभान, तू जो भी है, मुझे तेरे से मतलब नहीं, बस मुझे ये तीनों बच्चे चाहिए, इनको मुझे दे दे। ये तीनों मेरे दोस्त शेर की अमानत है, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इन तीनों को तुझे तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुझे ही खत्म कर देता हूँ। उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। वीरभान काले शेर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और वो घायल हो जाता है और मर जाता है। काले शेर खुश होकर शेरनी के बच्चों के पास जाता है। वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, मैं इन तीनों को मारकर बहुत ही ताकतवर बन जाऊंगा, फिर मुझे हराने वाला कोई नहीं होगा। वो उन बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ एक तेज रोशनी आती है। काला शेर जैसे ही उस रोशनी की ओर देखता है, तो उसे शेर और शेरनी की आत्माएं दिखाई देती हैं।
काला शेर उन्हें देखकर घबरा जाता है। क्यों, क्या हुआ? हमें देखकर घबरा गए? तुमने क्या सोचा कि तुम सबको मारकर ताकतवर बन जाओगे? ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा अंत मेरे तीनों बच्चे ही करेंगे राक्षस। क्या, ये तीनों पिल्ले अब मेरा अंत करेंगे? हा 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 हा, अरे अच्छे अच्छे मेरे सामने हार गए, तो ये तीनों मेरे सामने क्या है? तुम्हारा ये गुरु ही तो तुम्हारा अंत करेगा। फिर वो शेर और शेरनी अपने तीनों बच्चों को जादुई शक्तियाँ दे देते हैं। शक्तियाँ मिलते ही वो तीनों बच्चे बहुत ही ताकत और बड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर काला शेर हैरान रह जाता है। वो वहाँ से भागता है, पर तीनों बच्चे काले शेर पर हमला कर देते हैं और उसको जान से मार डालते हैं। काले शेर के मरते ही बच्चे अपने असली रूप में आ जाते हैं और वीरभान का पुनर्जन्म हो जाता है। वीरभान मेरे दोस्त, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे बच्चों की जान बचाई। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जब भी तुम लोगों पर कोई मुसीबत आएगी, मेरे तीनों बच्चे अपनी जादुई शक्तियों से उसका सामना करेंगे। तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना मेरे दोस्त। ये कहकर शेर और शेरनी वहीं पर गायब हो जाते हैं। वीरभान तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और बच्चों को बहुत प्यार करता है। तो कैसी लगी आज की हमारी स्टोरी, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।